कि एक्सीडेंटल केस में कुछ प्रावधान है, सरकार कुछ नियम बनाती है, उस नियम के तहत ही कार्रवाई होता है। यदि इस तरह का नियम कोई सरकार के है तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, निश्चित यदि होगा तो मिलेगा, नहीं उस तरह का होगा। शराब पीना, शरारत, आप तो जानते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे गलत तरीका से बनाता है, वो पॉइजनस बनाता है, लोग जानता भी है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज हम गए थे, वहाँ भी शराब या जो भी कहिए मरा, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ, वो भी जांच का विषय है। ये तो बुरा चीज़ है, शराब तो हमेशा मनुष्य को बर्बाद करता है। इसके लिए तो प्रशासन पूरा का पूरा आया था, DM भी आए थे, SP भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं, SDO भी आए हैं, हम भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम भी, हमको सूचना मिली तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों को देखा, वहाँ डॉक्टरों से बातचीत किया, डॉक्टर से इलाज करने की बात की। इस तरह के कामों को मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह के कांड की किसका हो जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सिस्टम आखिर कहाँ फेलियर है कि चंपारण में ये 2-3 महीने में दूसरी कांड है। अच्छा ये बताइए आप कि कितना पुलिस हम रखेंगे, कहाँ कहाँ, किस गांव में, किस व्यक्ति के पास रखेंगे। वहाँ जो लोग पीता है, जिनके घर के लोग है, उनको सूचना देना चाहिए कि ये हमारे घर के लोग फलना जगह शराब पीता है, वहाँ हम कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं करती तो सरकार जिम्मेवार होती, मंत्री महोदय। लेकिन लोग